बोलो निकल रहे, उन लोगों को भी रोक के बैठा दे। मैंने कैसा लगा वॉक करके, मजा आया? रुक गया बेटे, दे इधर इधर एक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। अभी इससे पहले हम वादी डेका डैम गए हुए थे, वहीं से हम लोग वापस आ रहे हैं एक हाइडन प्लेस में ओमान की। अगर आपने वादी डेका डैम की वीडियो नहीं देखी है, यानी इस व्लॉग का पार्ट वन नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं, इस जगह का नाम अल खुबैल है। ये जगह वादी डेका डैम से बस 5 मिनट की दूरी पर है। तो हम लोग फट से यहाँ पे पहुँच गए थे, पर रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है यहाँ का कि अंदर जाने के लिए ये जो सामने वाली कार है वो रुक गई, क्योंकि वो छोटी है। क्योंकि ये जो रास्ता गया है ना, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि वो छोटी वाली कार में टकरा रहे थे। इस रास्ते पे ना सिर्फ ऊँची कार ही चल सकती है, लेकिन ये हम लोग की कार भी पत्थर से टकरा रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, छोटी वाली ज़्यादा टकरा रही थी। तो यहाँ पे ऊँची कार जितनी बड़ी कार हो वही यहाँ पे आ सकती है, छोटी वाली के लिए डैमेज होने का प्रॉब्लम है। ये देखिए सामने वाली कार वापस आ रही है, क्योंकि आगे और भी बड़े बड़े पत्थर हैं, इस वजह से वापस आ रही है, क्योंकि कार जा नहीं पाएगी। हम लोग भी चलते रहेंगे, ऊपर ही बैठ जाओ। जर्मनी जर्मनी ये लगाओ, किसी के नहीं लग रहा है। ऐसी जगह है कि नेटवर्क का टावर भी नहीं आ रहा है। सही में फोन लगाना कर रहे ना। यहाँ पे हम लोग बीच में रुक गए हैं, क्योंकि एक कार वहाँ से वापस आ गई है और एक छोटी वाली कार तो ऑलरेडी रुकी हुई है, और एक जो बड़ी कार थी हमारे साथ वो डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी है। तो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है। तो वही हम लोग पीछे जो दो कार है उसका वेट कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएँ, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है और हमें जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, किसी की कार जा नहीं पा रही है, क्योंकि बाकी लोगों की कार छोटी है और सिर्फ एक कार है जो बड़ी है, और ये हम लोग वाली भी चली जाएगी कोशिश करके। तो वही सब अभी सब डिसाइड हो रहा था क्या करना है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उतर कर सब देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था और हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही थी। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, इसके आगे फिर बड़े बड़े पत्थर हैं। अभी यहाँ तक थोड़ा सही है, पर आगे से बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो वही सब हम लोग देख रहे थे और यहाँ पे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। कम देर सी 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 देर सी देर देर इधर इधर एक का फोटो लोग यहाँ पे उल्टा रुक गया तो ठीक है, इधर भी तो अच्छा है, लेकिन ये लेट जैसे वाली जगह नहीं है, फुल अंधेरा है। ये वाली कार का एक बार और ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ तक ये जा सकती है, और ये छोटी वाली कार तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो इसीलिए ये कार को हम लोगों ने यहाँ साइड में लगा दिया, और जो वो कार के लोग हैं तो वो हम लोगों की कार में हम लोग के साथ आ जाएंगे। और ये वाली कार देखिए वहाँ तक तो पहुँच गई है, लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। ये गाड़ी आगे जाने से नहीं जा रही आगे, गाड़ी एक गाड़ी हमारी वहाँ है और हम यहाँ पर, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। ये लोग आके परेशान कर रहे हैं, ये आदमी हमें रास्ते से मिला है, वापस जाए, इसका पासपोर्ट इसका पासपोर्ट घूम गया है। सो ही इज ऑन हिज वे टू हिज इंडिया, ही डोंट नो। वो देखो वहां से माउंटेनर चीरते हुए आ रही है, चीरते हुए आ रही है। पाकिस्तान की देश की गाड़ी यहां पर आती है, पाकिस्तान वाला केजीएफ वाला गाना लगा दो। ना ना 56 इंच का सीन, पूरी पब्लिक आ रही है वापस, क्या सुना आ रही है मोटर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि दो कार हमारी वहाँ तक नहीं जा सकती, एक ये बड़ी वाली कार और एक ये वाली कार, सिर्फ दो ही कार जा सकती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि लेडीज लोग जो हैं, सारी लेडीज वो दोनों कार में आ जाएं, और जो जेंट्स हैं वो लोग ट्रैकिंग करते हुए डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है तो छोटी कार वहाँ नहीं जा सकती।
अभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो ये व्हाइट वाली कार देखकर हम लोग चौंक गए कि ये कैसे आ गई कार यहाँ पर, क्योंकि आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा है और कार में भी कोई नहीं है, और हम लोग की जो इतनी बड़ी कार थी वो यहाँ तक आ ही नहीं पा रही थी। तो ये वाली कैसे आ गई। बेबी स्टैंड अप। वो देखिए दो बॉयज लोग आ रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए, तो अभी चलकर एक्सपीरियंस पूछते हैं उनका। ये गाड़ी मतलब अच्छी लग रही है। स्लोली स्लोली। और कैसा लगा? सब चीटिंग ही है। मैं पानी में कूदने जा रहा हूँ। अभी वहाँ पे भी कुछ लोग हैं। इस कार को देख के सब मस्ती कर रहे हैं कि इस कार को जिन्नात ने उठा के यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा है। और ये कार यहाँ पे आई कैसे? कैसा लगा वॉक करके? मजा आया? नहीं अभी ये सब प्रो लोग हैं, कहीं पहाड़ में घुस के बैठे नहीं। बेबी मायर का अलग ही एंजॉय चल रहा है। किसी मंजिल पे पहुंचने के रास्ते जब इतने खराब हो ना, तो समझ जाइए आगे कुछ नायाब देखने को मिलेगा। और किसी नायाब जगह की खूबसूरती के लिए किसी ग्रुप में ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो क्रेजी और पैशनेट हो आपको वहां ले जाने के लिए। तो उमर की थिंग काफी अच्छी थी हमें एक नई जगह लेकर आने के लिए। और आखिर में इस क्रेजी एडवेंचर को ना बस कुछ पागलपंती की जरूरत होती है। और ये बिस्किट बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी है। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ पे बेबी मायर का अलग ही एंजॉय चल रहा है और हमारे हस्बैंड वहाँ से मैट लेकर आ रहे हैं। आज मोला चाहिए तो और हस्बैंड हमारे खाने पीने का आइटम कार से लेकर आ रहे हैं। और बेबी मायर बहुत परेशान किए हुए थे कि उनको पानी के अंदर जाना है, तो यहाँ पे वो अपने अब्बू के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बिस्किट वगैरह और खाने पीने का आइटम हमारा आ चुका है और अब हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे इन खूबसूरत वादियों में। यहाँ पे आप इन बच्चों को एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। पानी इतना ज्यादा ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, शाम का वक्त है, फिर भी इन बच्चों को पानी में जाना है। अभी जिस टाइम हम यहाँ पे पहुँचे हैं काफ़ी शाम हो चुकी है और शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से है यहाँ पर। लेकिन हमने गूगल पे पिक्चर देखी थी यहाँ की दोपहर के टाइम की, सुबह के टाइम की, जो कि यहाँ का पानी ग्रीन कलर और ब्लू कलर का है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिन में यहाँ का नज़ारा कुछ और है और शाम के वक्त इस तरह से है। और इस तरफ गुजिया बन रही है, इस बार कीमे की गुजिया है। और इस तरफ आग जलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अभी शाम जैसे जैसे हो रही है ठंड हो रही है यहाँ पर। अभी मगरिब का टाइम हो गया है और यहाँ पे लाइट नहीं है, चारों तरफ बहुत अंधेरा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल गए हैं एक तीसरी डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि जो हमारी गुजिया थी बन रही थी वो अभी तक रेडी नहीं हुई है। तो उसी रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए हम वादी अल अमीरात जाएंगे। कभी कभी जब शाम ढलती है और रात आती है ना, तो कहीं ना कहीं सबको लगता है That I am a failure.
तो अभी हम वादी अल अमीरात पहुंच गए हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन पर, और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ से यहाँ पे वादियाँ हैं, पानी बहता हुआ नज़र आता है। हमने वादी अल अमीरात पे एक वीडियो ऑलरेडी दिन में बनाई हुई है, तो हमने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। हमारी एक आंटी है जिन्होंने ठान लिया है कि आज चाहे जितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, वो आज गुजिया बना कर और हम सबको खिलाकर ही रहेंगी। वादी डेका डैम में कुछ बनाना अलाउ नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पे हमारी आंटी का प्लान सक्सेस नहीं हुआ। और अल खुबैल में रात होने लग गई, अंधेरा होने लग गया, तो इस वजह से वहाँ पे प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। और यहाँ पे हमारी आंटी ने बहुत ही टेस्टी सी गुजिया बनाई और हम सबको खिलाया, और उन्होंने चावल की रोटी भी बनाई। पर अगर सच कहूँ, इस दुनिया में हजार रुकावटें क्यों ना हो, पर हमारे सपने चाहे जितने छोटे ही क्यों ना हो या चाहे जितने बड़े ही क्यों ना हो, पर अगर कोई भी चीज़ अगर दिल से चाहो ना, तो इस दुनिया की हजार रुकावटों को भी बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। ये आसमान बड़ा ज़रूर है, पर अपनी स्किल, मेहनत और लगन से एक दिन इस आसमान को भी रंगा जा सकता है।